प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT पटना तथा नवादा के बस अड्डा का उद्घाटन किया। नवादा में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद के मुख्य पार्षद पूनम कुमारी ने फीता काटकर बस पड़ाव का उद्घाटन किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि बस पड़ाव को निर्माण होने से शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी। शहर के सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा रहा है, लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने नवादा वासियों से अपील किया कि प्रशासन के द्वारा जो ट्रैफिक नियम बनाए जा रहे हैं उसका 100% पालन किया जाए ताकि शहर के सौंदर्यीकरण और खूबसूरत बनाने में सहयोग मिल सके। इस मौके पर बुडको से जुड़े अधिकारी के साथ साथ सदर SDO उमेश कुमार भारती, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार, DPRO गुप्तेश्वर कुमार के साथ साथ अन्य लोग मौजूद थे। मत संचालन श्रवण कुमार ब्रनबाल के द्वारा किया गया। सदर SDO उमेश कुमार भारती ने बताया कि बस पड़ाव में सुरक्षा और लाइट की व्यवस्था होने के बाद ही यहां से बस का संचालन शुरू किया जाएगा। नवादा से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।